अस्सलाम वालेकुम, रोज न्यूज के साथ मैं हूँ सदर शौकत। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भुट्टो का आप माजी देख लीजिए। भुट्टो साहब जो हैं, जैसे कि आपको पता है, अयूब खान के साथ कन्वेंशन लीग में थे, फिर अपनी पार्टी उन्होंने बना ली और फिर जिस तरीके से भी हुआ आपको पता है। लोग तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो टूटा है उसके जिम्मेदार वो शख्स जो वहां बैठा हुआ था अवामी लीग का, उससे ज्यादा जिम्मेदार भुट्टो था। मुल्क को दौलत कराने में भुट्टो जिम्मेदार है। भुट्टो ने अयूब खान के साथ काम किया, फिर पार्टी बनाई। जस्ट रिटायर्ड वजीउद्दीन की प्रोग्राम सच्ची बात में गुफ्तगु, कहते हैं पनामा केस पर 5 जजेस का बेंच नहीं फुल कोर्ट बनाना चाहिए था। मुतनासा खबर पर वजीर आजम कैसे FIR कर सकते हैं। पंजाब में आज फिर धुंध करार, पंजाब के कई शहर रात भर धुंध की लपेट में रहे। मोटरवे मुख्य मुकाम से बंद, शहरों को फॉग लाइट इस्तेमाल करने की हिदायत। पार्लियामेंट में फिर पनामा का शोर, कौमी असम्बली का हंगामा केस इजलास आज होगा। पनामा लीक और वजीर आजम के साबका खिताब पर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज का इम्कान। तहरीक इंसाफ की 2 माह बाद वापसी। आज पार्लियामेंट का इम्तिहान है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं हम वजीर आजम के हमनवा नहीं कि पार्लियामेंट में जाकर तालियां बजाएं। अपोजिशन का काम वजीर आजम से जवाब लेना है। PTI वजीर आजम के खिलाफ 2 तहरीक पेश करेगी। इमरान खान आईनी इदारों को धमकियां देना बंद करें, मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा इमरान खान ने झूठ इल्जाम तराशियों के अलावा कुछ नहीं किया। वजीर आजम के बयान में तजाद है जिससे पार्लियामेंट का वकार मजरू हुआ। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कौमी असम्बली में तहरीके इस्तेकाक जमा करा दी। 4 मुतालबात ना माने गए तो 27 दिसंबर को सड़कों पर निकलकर मुतालबात मनवाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा 27 दिसंबर के बाद ऐसी तहरीक चलेगी कि हुकूमत को लक पता जाएगा। सानिया बल्दिया टाउन की तहकीकात में अहम पेशकश, मरकजी मुजरिम रहमान भोला को थाईलैंड से कराची मुंतकिल कर दिया गया। और खिते में अमरीकी मिशन को कामयाब बनाने के लिए भारी कीमत चुकाई। वजीर आजम के मुआवने खसूसी तारिफ फातमी कहते हैं रूस के साथ फौजी और इक्तसादी ताउन को फरोग दे रहे हैं।